बिहार बोर्ड द्वारा जिस भी स्टूडेंट ने 2020 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यानी पास किया, उसका पैसा कब तक आएगा जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि उनका पैसा कब तक आएगा, किन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये सब हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले बता दें, मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा। इस तरीके का यदि आप वीडियो लेटेस्ट पाते रहना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कीजिएगा। इस तरीके का वीडियोज आपको मिलता रहेगा। अपने इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना होगा indiajobresult.in और इस वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का एक पोस्ट आपको यहाँ पर शो होता हुआ मिल जाएगा। तो आपको यदि इस पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे और लेटेस्ट पोस्ट में भी आपको ये पोस्ट मिल जाती है। तो इसे आपको देखने के लिए सिंपल सा गवर्नमेंट स्कीम वाली स्कीम पर क्लिक करना है। इसे मैंने डेस्कटॉप साइट में कर रखा है। यदि आप मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं इस वेबसाइट पर तो आपको डेस्कटॉप साइट हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आता है। इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आने के बाद में सबसे ऊपर ही आपको यह पोस्ट सोते हुए मिल जाएगा, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा कवर कैसे मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये वाली इंटरफेस नज़र आएंगी। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है कि इस फॉर्म को कैसे भर सकता है, कौन इसका लाभ उठा सकता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इसे आप अधिक जानकारी के लिए इसे ज़रूर विजिट करेंगे इस वेबसाइट को और इसे रीड ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अपना पैसा कैसे चेक करेंगे। जो इस वीडियोज़ में आप देख रहे हैं बिल्कुल वही स्टेप्स है और मैं इस वीडियोज़ में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आप अपनी पैसा कैसे चेक करेंगे और आपका पैसा कब तक आएगा। यहां पर हर एक डिटेल्स दिया हुआ है। तो अपनी फॉर्म अप्लाई करने के लिए यदि क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए 2 लिंक है, लिंक 1 एंड लिंक 2। दोनों लिंक के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक कर और जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई वही स्टूडेंट्स करेंगे जो 2021 में इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही यह तय किया जाएगा बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म कब अप्लाई हो रहा है। तो अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, जो ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट और मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा, उसके बाद में ये भी फॉर्म भराया जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ से आकर के आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस जानने के लिए लिंक 1 या लिंक 2 दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करेंगे। दोनों का सेम इंटरफेस है लेकिन सर्वर अलग अलग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना फिलअप करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना स्टेटस देख लेना है कि आपका स्कूल जो भी होगा वह स्कूल आपको यहाँ पर सोता हुआ मिल जाएगा। स्टूडेंट नेम, नेम एज फॉर बैंक, PFMS पर आपको अकाउंट भेज दिया गया, यानी कि आपके बैंक अकाउंट पर जो भी नेम होगा यहाँ पर होगा। एंड उसके बाद में आपका फादर्स नेम, फाइनलाइज आपका कब हुआ है फॉर्म, यानी जो आपने भरा होगा वह डेट, एंड PFMS स्टेटस जो आपका मिल चुका है, अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है आपका PFMS अकाउंट में। एंड यहाँ पर अकाउंट स्टेटस देख सकते हैं, अकाउंट वेरीफाइड भी हो चुका है एंड पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट दिखाया जा रहा है, यानी कि आपका पेमेंट इसी मंथ यानी कि मार्च मंथ में यानी मार्च महीने के अंत तक आपका पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, जो 15,000 से लेकर के यानी 10,000 से लेकर के 15,000 तक होती है। जो सेकेंड डिवीज़न SC ST के स्टूडेंट यानी गर्ल्स की होगी उसको 10,000 और OBC सबको जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया उसे 15,000 रुपये सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, जो मैंने इस पोस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो आप आकर के इस तरह से अपने स्टेटस को चेक करेंगे। PFMS से कैसे अपने स्टेटस को चेक किया जाता है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आई बटन में वीडियो आपको शो होते हुए मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके PFMS पर स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कीजिएगा। इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।